विपक्ष चाहे सदन से वॉकआउट करे, सदन में हो हंगामा करे, प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन करे, लेकिन हकीकत कोई नहीं बदल सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और मजबूत हुए, लेकिन विपक्ष इस हकीकत से मुंह फेर रहा है। कम से कम कोशिश तो कर ही रहा है और अपनी बड़ी सीटों पर इतना इतरा रहा है मानो कि जैसे मोर नाच रहा, लेकिन जनता के फैसले को वो सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं बल्कि ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं, ये तो देश बताएगा। मैं समझ सकता हूं, 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। अब विपक्ष को जनादेश समझ में आए या ना आए, हकीकत कोई नहीं बदल सकता, कम से कम अगले 5 वर्षों तक तो नहीं, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के स्टाइल को कोई रोक सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर विदेशी ताकतों के फन को कुचलने की बात हो। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म तो होता रहेगा। भारत में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं, देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इको सिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। मोदी का जवाब स्पष्ट है, यही वजह है कि विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष को मालूम है कि वो फेल हो चुका है, क्या इसीलिए सदन में बेवजह हंगामा कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने भर से इतनी खुश हो गई है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है दे आर ऑन क्लाउड 9। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष जनादेश के फैसले को नकार रहा है? पूछता है भारत। जी, पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी से, विजय त्रिवेदी से, राहुल देव जी हैं मेरे साथ, मनोज सिंह काका हैं, जगदीश शर्मा हैं, संजय मिश्रा जुड़ रहे हैं। मैं ये डिबेट कल करने की सोच रहा था राहुल देव जी, लेकिन कल जिस तरह की घटना हुई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मैं कर नहीं पाया। आज वो नंबर 121 पे पहुंच गया। सुधांशु त्रिवेदी का नेटवर्क जुड़ रहा है, आई कैन सी द कैमरा सेट हो रहा है। इन नेक्स्ट 30 सेकेंड सुधांशु त्रिवेदी विल ऑल्सो बी ऑन एयर। मैं चाहता हूं आप ग्राफिक्स चलाएं, तब तक मनोज सिंह काका एंड राहुल देव जी, मैं मनोज सिंह काका आपसे पूछ रहा हूं, जगदीश जी आ रहा हूं आपके पास भी। मनोज सिंह काका जी, आपको सचमुच लगता है जी कि आप राहुल गांधी को एंग्री यंग मैन से कंपेयर करेंगे और देश की जनता समझ जाएगी? आपको बीजेपी को घेरना है तो घेरिए ना नौकरियों पे, आपको बीजेपी को घेरना है तो घेरिए ना प्राइस राइज पे, आपको बीजेपी को घेरना है तो घेरिए ना कि तुमने कहा था कि इतनी सड़कें बनाओगे, कितनी बनी है, तुमने कहा था इतने करोड़ों लोगों के घर तक बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, नहीं पहुंचा, आप किन बातों पे घेर रहे हैं? आप अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अगला इलेक्शन जीतना है बाबा से, अगर आपके हिसाब से आप ऐसे जीतेंगे, राहुल गांधी जी कभी शिवजी की तस्वीर, कभी गुरु नानक देव जी की, कभी क्राइस्ट की बात करते करें, बात करने में कोई खराबी नहीं है, सबके आराध्य हैं, सबके आराध्य सम्माननीय है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप विपक्ष सशक्त हुआ है, लेकिन अभी भी समझना पड़ेगा 2.5 गुना ज्यादा है सत्ता में बैठे लोग। आप लोग ये जो साइकोलॉजिकल जीत में हैं, ये साइकोलॉजिकली आप लोगों को कोई इंपैक्ट ना कर दे, ये साइकोलॉजिकल जीत आपकी, क्योंकि रियलिटी में आप लोग हारे हैं। समझ रहे हैं ना काका जी मैं क्या कह रहा हूं? थैंक यू सुधांशु। हाँ जी पूरा समझ रहा हूं, अब जवाब दो। प्लीज सर, प्लीज सर। देखिए, कम से कम आपको एक बात के लिए साधुवाद दिया जा सकता है कि आपने एक चीज बहुत दिलेरी से स्वीकारा है कि विपक्ष सशक्त हुआ है, और सशक्त विपक्ष से ही सत्ता से संवाद किया जा सकता है, और लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों की धुरियों पर आधारित है। आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से हमारे नेता ने सवाल किया, हमारे नेता ने बहुत बुनियादी सवाल किया नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी
हम लोगों ने तो 300 किलोमीटर से बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना दिया, और कई सालों से आप जैसे पत्रकार और आप भी जिस पर हमारे देश का सबसे ताकतवर विमान टच एंड फ्लाई किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपए का 13 किलोमीटर का राम पथ बनवाया जो 13 महीना भी नहीं चल पाया और उसमें गड्ढे हुए। तो नरेंद्र मोदी जी से हमारे नेता ने बहुत बुनियादी सवाल किया कि इस देश में नीट के पेपर से लेके यूजी नेट के पेपर से लेके उत्तर प्रदेश में पुलिस के पेपर से लेके आरओ के पेपर लीक से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का छत भी बीजेपी के भ्रष्टाचार में लीक हो गया, और इस बात की पुष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के महान के प्रमुख संत ने भी किया। तो यह सब जो सरकार के मंदिर से लेके पेपर लीक हो, जो सरकार जो आम आदमी के भरोसे के दीवार के जो संस्थान थे ईडी सीबीआई उन संस्थानों को लेकर के विपक्षियों का दमन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी से तो इस देश का युवा पूछ रहा है कि आप तो कहते थे मोदी जी कि हमने वार रुकवा दी, आपके कीर्तन गान करने वाले प्रवक्ता कहते थे कि मोदी जी की विश्व गुरु स्वघोषित विश्व गुरु की मान्यता दुनिया में है, आप पेपर नहीं रुकवा पा रहे हैं, आपके हम तो आपके स्टूडियो में आए थे, उन बेटों की उन बच्चों की क्या पीड़ा थी। तो ये सब सवाल है, लेकिन इन सब सवालों से मोदी जी बहुत दूर भागना चाहते हैं। मोदी जी जब आप आज रोटी कपड़ा मकान और बर्बर महंगाई उत्तर प्रदेश में 130 से 40 घरों में जो मातम है उस पर जब आप सवाल करेंगे तो मोदी जी आपको 500 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, और जब आप कल की बात करेंगे कि कल कैसे सुरक्षित होगा तो मोदी जी आपको 25 साल आगे ले जाना। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, सपा नेता मनोज सिंह जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, और मैं चाहता हूं विजय जी, राहुल देव जी और जगदीश जी और संजय जी सबको आप ले आइए। विजय जी, सुधांशु त्रिवेदी जी का कैमरा क्यों फ्लिकर कर रहा है? रेणु मित्तल ने नहीं काका जी, 3.25 मिनट आपने बोला है, प्लीज रिलैक्स। आप अभी नहीं, रिलैक्स, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मेरा सवाल ये है, अच्छा करिए, बोलिए। देश को लोगों को वो बताते हैं कि विगत 10 सालों से इस मुल्क के वो प्रधानमंत्री हैं, उनने इस मुल्क के खुशियों और समृद्धि के लिए क्या काम करा, लोगों के घरों में रोजगार कितना आया, किसान 500 शहीद क्यों हुआ, हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारे चाइना के सरहद। अरे तो ये सिर्फ मेरी डिबेट पे क्यों करते हैं आप, संसद में क्यों नहीं पूछते? संसद में तो आपके नेता और आपके नेता के प्रिय मित्र, नहीं नहीं, आपके एक नेता तो कंधे पे हाथ डाल के क्या करते हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके सर्वोच्च नेता के मित्र वहां पे अमिताभ बच्चन के सीक्वल बनाने में लग जाते हैं संसद में, एक एक पॉइंट उनका कहना है। एवरीवन ऑन एयर नाउ, मनोज जी प्लीज नाउ रिलैक्स।